हेलेना सेल के बाद भी आज रॉक के एपिसोड में इनसाइड हेलेना सेल मैच का मजा देखने को मिला। वहीं बर्बर के मैचेस आज के इस एपिसोड में देखने को मिले, जो कि मैंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच के लिए क्वालिफाइंग मैचेस थे। कौन कौन क्वालिफाई कर चुके हैं इस मैच के लिए, उसके लिए वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी होगी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी और आप लाइक करे बिना नहीं जाएंगे। हाई फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बॉबी लैशले की एंट्री से हुई। उनके साथ नंबर ऑफ मॉडल्स और एमवीपीज भी होते हैं। लैशले आके कन्फेस करते हैं कि लास्ट नाइट हेलेना सेल में ड्रू मैकइंटायर लिमिट से ज्यादा मुझे पुश करा, बट स्टिल मैं अभी भी चैंपियन हूं। उन्होंने कहा, बेशक ड्रू मैकइंटायर बेस्ट होंगे पर इतने नहीं कि ऑलमाइटी को हरा सकें। तभी न्यू डे की एंट्री होती है और वो आके इनको इंटरप्ट करते हैं। फिर एमवीपी कहते हैं कि यही कारण है कि कॉफी किंगस्टन मेन इवेंट देखने की बजाय हेलेना सेल देख रहा था। लैशले कहते हैं कि कॉफी किंगस्टन ये महसूस करने में काफी बिजी थे कि उन्होंने टाइटल खो दिया है। इतना ही नहीं, बॉबी लैशले ने WWE में कॉफी किंगस्टन की जगह का भी मजाक बनाया। फिर कॉफी किंगस्टन ने बॉबी लैशले को याद दिलाया कि मैंने WWE टाइटल अपने नाम करा है और हां, तुम्हें मैंने पिन भी करके हराया है। इसके बाद कॉफी किंगस्टन ने बॉबी लैशले को मनी इन द बैंक PPV में टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। लैशले इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और याद दिलाते हैं कि तुम्हारी वो जीत केवल और केवल इंटरफेरेंस की वजह से थी, उसको तुम धन्यवाद दो। बॉबी लैशले कहते हैं कि ये इंश्योर करने की जरूरत है कि मनी इन द बैंक में मैं और तुम 1-on-1 होंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब 1-on-1 की बात वो कर रहे हैं जो खुद हेलेना सेल में एमवीपी की हेल्प से टाइटल बचा पाए ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ। फिर वो जेवियर वुड्स के अगेंस्ट मैच की कहते हैं, वुड्स मैच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये मैच इनसाइड हेलेना सेल मैच होना चाहिए। बॉबी लैशले इसके लिए हां कर देते हैं। अब WWE का आने वाला PPV मनी इन द बैंक होने वाला है, इसलिए WWE ने मल्टीपल मैंस और वुमेन्स क्वालिफाइंग मैच अनाउंस करे मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, जिसमें मैंस और वुमेन्स दोनों मैच शामिल थे। नेक्स्ट समय AJ स्टाइल वर्सेस रिकोशे के बीच मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच दिखा। ओमास रिंग साइड मौजूद होते हैं। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और पहले अटैक AJ स्टाइल की साइड से दिखा। फिर रिकोशे AJ स्टाइल को रिंग के बाहर करते हैं और स्टाइल उन्हें पकड़ के टर्न बकल में दे मारते हैं। फिर रिंग में लाके AJ स्टाइल उनमें पंचेस लगाते हैं। अब रिकोशे पलटवार करते हुए इधर उछल उधर उछल उछल के AJ स्टाइल पर मूव लगा रहे होते हैं और शानदार सुप्लेक्स भी AJ स्टाइल को देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। रिकोशे ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। अब AJ स्टाइल रिकोशे को फिनोमिनल फॉरआर्म देने की तैयारी में थे, तभी विकिंग राइडर्स की एंट्री हुई और उन्होंने आके ओमास पर अटैक कर दिया। ओमास दोनों को मारने के चक्कर में बैरिकेड में जा घुसे, इसका फायदा रिकोशे को मिला। उन्होंने AJ स्टाइल को पिन करके मैच जीत लिया और पहले क्वालिफायर बन गए मनी इन द बैंक मैच के लिए। अब बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल साथ दिखाई दिए। रिडल कहते हैं कि अगर आज की रात हम दोनों क्वालिफाई मैच में जीत जाते हैं तो हम मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। नेक्स्ट हमें ईवा मैरी लेडीज ओटिस वर्सेस नायोमी आस्का के बीच मनी द बैंक क्वालिफाई मैच दिखा। जो टीम जीतेगी उसके दोनों मेंबर मैच के लिए क्वालिफाई होंगे। मैच शुरू होता है, लेडीज ओटिस शुरू में ही आस्का को हिट करती हैं और उन्हें नॉकडाउन कर देती हैं। हालांकि आस्का कुछ शॉट्स लगा के वापसी का ट्राई करती हैं। फिर टैग नायोमी पर आता है, लेडीज ओटिस कैनन बॉल लगाती हैं। अब लेडीज ओटिस फिनिशर लगाने को तैयार थी, तभी टैग उनसे ईवा मैरी ले लेती हैं और नायोमी को पिन का ट्राई करती हैं, वो किक आउट कर देती हैं। फिर ईवा अपनी पार्टनर को टैग देने आगे बढ़ती हैं, वो नाराज होकर चली जाती हैं, जिसके बाद नायोमी ईवा मैरी को रोल करके यहां मैच जीत लेती हैं। अब एडम पियर्स और सोनिया डेविल रिंग में आके रेहर रिप्ले के मैच को एड्रेस करते हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया था। एडम और सोनिया कहते हैं कि रूल्स इस तरह से तोड़े जाने के लिए नहीं थे जो तुम्हारे पास थे। अब मेरी समझ में ये नहीं आया, काफी बार WWE में ऐसा हो चुका है कि चैंपियंस ने खुद को इंटेंशनली डिस्क्वालिफाई करके टाइटल रिटेन करे हैं। यहां हुआ तो एडम पियर्स और सोनिया डेविल को मिर्च लग गई। खैर, तभी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है। वो आके रेहा रिप्ले को मैच के लिए चैलेंज करती हैं। रेहा मैच के लिए हाँ भी कर देती हैं और पीछे से सोनिया डेविल कहती हैं, क्यों ना ये मैच मनी इन द बैंक PPV में हो जाए। नेक्स्ट समय रैंडी ऑर्टन वर्सेस मॉरिसन के बीच क्वालिफाइंग मैच दिखा। मॉरिसन के साथ व्हीलचेयर पर रिंग साइड मिस कमेंट्री करते नजर आए। मैच शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं और मॉरिसन इसमें कुछ हद तक सक्सीड भी हो जाते हैं। ऑर्टन मॉरिसन की आय में मारकर पलटवार करते हैं और रिंग के बाहर लाके मॉरिसन को अनाउंस टेबल पर दे मारते हैं। ऑर्टन अब मिस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मॉरिसन आके ऑर्टन को रिंग पोस्ट में मार देते हैं और अटैक
कंटिन्यू रखते हैं। हालांकि रैंडी ऑर्टन अब फाइट बैक करते हुए मॉरिसन में मार देते हैं और मिड रोप डीडीटी भी उनको लगा देते हैं। अब रैंडी ऑर्टन आर्को की तैयारी में थे, तभी मिज ने रिंग के बाहर से पिचकारी में भर के शायद पानी मारा। रैंडी ऑर्टन का ध्यान हटा और मॉरिसन ने ऑर्टन को रोल करना चाहा, बट उन्होंने किक आउट कर दिया। तभी मैट रिडल की एंट्री होती है, वो रिंग की साइड में मिज को पकड़ने भाग रहे होते हैं। रैंडी ऑर्टन इससे खुश नहीं थे, यही मॉरिसन को एडवांटेज मिला और उन्होंने मूव देके अपना मैच जीत लिया। अब हमें अलेक्सा ब्लिस निक्की क्रॉस वर्सेस नाया जैक शाइना बेजलर के बीच क्वालिफाइंग मैच दिखा। निक्की आज एक अलग ही कॉस्ट्यूम में दिखाई दी। मैच की शुरुआत निक्की क्रॉस और शाइना बेजलर करती हैं। दोनों की साइड से एक दूसरे पर अटैक होता है, फिर टैग नाया जैक्स पे आता है। निक्की क्रॉस नाया जैक्स को रिंग के बाहर करती हैं और फिर तीनों पर क्रॉस बॉडी लगा देती हैं। अब टैग अलेक्सा ब्लिस पे आता है, वो आके शाइना पर अटैक करती हैं। अब शाइना और नाया टैग दे दे के ब्लिस में मार देती हैं। फिर अलेक्सा ब्लिस शाइना पर पलटवार करके टैग निक्की क्रॉस को देती हैं और निक्की क्रॉस आके नाया जैक्स में मार देती हैं और एंड में शाइना को पिन करके मैच जीत लेती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं। फाइनली अब हमें बैक स्टेज जिंदा महल काफी सारे सुपरस्टार के साथ दिखे, जहां वो बाकी के सुपरस्टार से आर्ग्यूमेंट करते दिखाई दिए कि क्यों वो मनी इन द बैंक पोजीशन के लिए कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। अब हमें रिडल वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच क्वालिफाइंग मैच दिखा। बैल बजते ही ड्रू मैकइंटायर मैट रिडल पर चढ़ बैठे और उन्हें जता दिया कि मैच आसान नहीं होने वाला है। हालांकि मैट रिडल ने पीठ पे ड्रू मैकइंटायर के किक दी, इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने मैट रिडल पर हार्ड हिटिंग पंचेस जड़े और उठा के जो फेंका है वो देखने लायक था। मुझे लगता है हेल इन अ सेल की हार का पूरा गुस्सा ड्रू मैकइंटायर रिडल पर निकालना चाह रहे थे। रिडल बीच बीच में पलटवार का ट्राई कर रहे थे, बट वो काफी नहीं था। अब स्टेज पर रैंडी ऑर्टन आके खड़े हो जाते हैं। रिडल ने अब फ्लोटिंग ब्रो दिया, ड्रू मैकइंटायर उससे बचे और क्लेमोर देने वाले थे, बट रिडल ने उसे काउंटर करते हुए सबमिशन लगा दिया। ड्रू मैकइंटायर इससे बचे और ग्लासगो किस दिया और रिडल ने यहां ड्रू मैकइंटायर को रोल करा और मैच जीत लिया। अब आज के एपिसोड में हमें मैन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाई के लिए तीन मैचेस दिखे, जहां से तीन सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसके बाद WWE ने अनाउंस करा कि इन तीन मैचेस में से जो सुपरस्टार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके बीच नेक्स्ट रॉ पर क्वालिफाइंग मैच दिखेगा। ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेज रैंडी ऑर्टन वर्सेज AJ स्टाइल के बीच और ये इनका लास्ट चांस होगा मनी इन द बैंक क्वालिफाई करने का। अब टाइम था आज के शो के मेन इवेंट मैच का, जो कि बॉबी लैशले वर्सेज जेवियर वुड्स के बीच इनसाइड हेल इन अ सेल मैच था। सेल के बाहर कॉफी किंगस्टन और MVP भी मौजूद थे। अब बॉबी लैशले और जेवियर वुड्स आमने सामने थे। मैच शुरू हुआ और जेवियर वुड्स ने बॉबी लैशले पर ड्रॉप किक दी और कुछ किक्स लगाना शुरू करी। हालांकि बॉबी लैशले ने फाइट बैक करते हुए जेवियर वुड्स को मिड सेक्शन में किक दी और पंचेस लगाए। बॉबी लैशले अब हावी हो चुके थे। जेवियर वुड्स चेयर निकाल के लाए, बॉबी लैशले ने चेयर में पंच मारा और वो चेयर जेवियर वुड्स के मुंह पे लगी। अब बारी जेवियर वुड्स की थी, उन्होंने बॉबी लैशले को बैक टू बैक ड्रॉप किक दी और बॉबी लैशले सेल में जा लगे और फिर चेयर मार के बॉबी लैशले की कमर की लचक निकाल दी। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच, कभी बॉबी लैशले तो कभी जेवियर वुड्स एक दूसरे को मार रहे थे। बॉबी लैशले मैच में काफी डोमिनेट कर रहे थे। अब जेवियर वुड्स के हाथ लगी केंडो स्टिक और इसके बाद उन्होंने बॉबी लैशले के पीठ पे जो मारी है, बस बॉबी लैशले के मुंह से ऊ आ ही निकल रहा होगा। पक्की बात है ड्रू मैकइंटायर की पीठ जैसा ही हाल बॉबी लैशले का हुआ होगा। इसके बाद जेवियर वुड्स ने टेबल पर बॉबी लैशले को लिटा के शानदार डाइव लगाई, फिर बॉबी लैशले ने रिंग कॉर्नर में लगी चेयर पे जेवियर वुड्स को हेड की साइड से मारा, स्पीयर लगाई, देन हर्ट लॉक लगा के मैच जीत लिया। बॉबी लैशले इतने के बाद नहीं रुके, कॉफी किंगस्टन को दिखा के वो सेल के अंदर जेवियर वुड्स को मार रहे थे। वहीं रेफरी लॉक खोल के सेल के बाहर निकलते हैं तो MVP सेल के अंदर घुस के लॉक लगा लेते हैं, फिर बॉबी लैशले ने जेवियर वुड्स को हर्ट लॉक भी लगाया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। आज के शो में मैंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच को लेके क्वालिफाइंग मैच देखने को मिले। मैंस की साइड से रिकोशे, मॉरिसन और मैट रिडल क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं वुमेन्स टीम की साइड से अलेक्सा ब्लिस, निक्की क्रॉस, नायोमी और आस्का क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब WWE का फोकस कंप्लीटली मनी इन द बैंक PPV पर है, इसलिए रॉ ब्रांड से आज दो बड़े टाइटल मैच अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें रेहा रिप्ले वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और बॉबी लैशले वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए।
वहीं रैंडी ऑर्टन आज अपना क्वालिफाइंग मैच क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके पीछे वो वजह पूरी तरह से मैट रिडल को मानते हैं। वहीं मैट रिडल इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बड़ा दुख होता है जब खुद फेल हो जाओ और दोस्त पास हो जाए, शायद यही वजह बनेगा आगे चल के इस जोड़ी के टूटने का। वहीं बॉबी लैशले और जेवियर वुड्स के बीच मेन इवेंट अच्छा था। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, स्मैकडाउन में देखे रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो और रॉ ब्रांड में देखे बॉबी लैशले वर्सेस जेवियर वुड्स, दोनों में से कौन सा मैच इनसाइड हेल इन सेल मैच बेटर था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।